हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं कुछ भी घर का ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ, कुछ भी क्लीनिंग ब्लॉग नहीं लेकर आई हूँ। तो आप सबको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ, किसके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं। हाँ जी, मैं बात करना चाहती हूँ कंचन धवन के बारे में, जो कि इनका चैनल है इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन। और बहुत लोग जानते हैं इनको, बहुत सारे लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो से जान जाना। तो मैं भी नहीं जानती थी, सच बताऊँ तो। मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूबर है वो भी, तो बहुत अच्छी फ्रेंड है वैसे देखा जाए तो। और यूट्यूब पर पता है इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं। पहले तो ये बता देती हूँ कि जितने अपने लोग काम नहीं आते उतने फ्रेंड काम आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जो कि हैं। और मुझे इन्होंने ही मुझे इनकी वीडियो शेयर की थी, मतलब इन्होंने बताया था इनके बारे में, कंचन धवन के बारे में, कि इनकी मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसी क्या दिक्कत हो गई है। तो वो बताया था, मैंने इनकी वीडियो देखी, जो कि 4-5 दिनों से वीडियो देखती आ रही हूँ मैं। और 4-5 दिनों में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने करीबन 15-16 वीडियो देख चुकी हूँ मैं इनकी 4-5 दिनों से। क्योंकि इनकी वीडियो में था ही कुछ ऐसा कि मन ही नहीं करता था बंद करने का, और बंद करने का मन नहीं करता था, तो फिर वही और देखते जाओ और देखते जाओ, क्या हुआ इनके साथ, कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हो गई इनकी कहानी, सब कुछ देखा मैंने। तो सच में बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, बहुत रोना भी आया, बहुत ज़्यादा। मैं तो कम से कम इनकी 5-6 वीडियो में रो भी गई थी, क्योंकि बात ही ऐसी थी। और एक औरत के लिए सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि उसके हस्बैंड ना हो उसके साथ में, इस दुनिया में ना हो, तो सबसे बड़ा दुख तो यही होता है एक औरत के लिए तो। और वैसे हम औरतों को ये लगता है कि सबसे बड़ा दुख हम मतलब हमारे साथ है, हम ही दुखी हैं सबसे ज़्यादा इस दुनिया में, हमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम जब सामने वाले की प्रॉब्लम देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार, हम इतने दुखी नहीं, ये सामने वाला ज़्यादा दुखी, ये ज़्यादा दिक्कत मतलब प्रॉब्लम में है, ये लगता है। तो जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए, जब वो इतने सारे लोग प्यार दे रहे हैं, कर रहे हैं और भी करेंगे तो कोई मना नहीं कर देगा यार। तो आप लोग एक बार इनकी वीडियो देखना, इनका लिंक, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इनका लिंक देखना, वीडियो पे जाना, चैनल पे जाना। सो प्लीज़ आप जितना भी हो सके आप इनको सपोर्ट करें। और वैसे एक बात सही बात है, लेकिन आदमी की हस्बैंड की जगह कोई नहीं ले सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं ले सकता। भाई की जगह ले सकता है, बेटे का भी जगह मतलब ले सकते हैं, बच्चे की जो होती है एक माँ की वो भी जगह ले सकते हैं, लेकिन एक हस्बैंड की जगह कोई नहीं ले सकता, सच बताऊँ तो। और वैसे देखा जाए तो अगर हम लोग उनको इतना प्यार दें, आप लोग सपोर्ट करो, तो शायद हो सकता है कि वो इस गम को भुला सके। वैसे तो भूलना बहुत मुमकिन होता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार मिलता है तो हर दुख को भुला देते हैं, भुलाया जा सकता है। तो आप लोग अगर हो सके तो सपोर्ट करना इनको, वीडियो वॉच करना इनकी, जाके इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा तो इनको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो भाई मेरे साथ, मेरे हस्बैंड नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट करने के लिए, भाई बहन मिल गए हैं, एक प्यारे से दोस्त मिल गए हैं, तो एक अंदर से फीलिंग आती है कि चलो भाई इस दुनिया में हम अकेले तो नहीं है, कोई तो सपोर्ट करने वाला है ना। तो फिर लगता है ना कि अपने मन में कि थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट करना। और आप लोग अगर मेरी वीडियो इस बात से थोड़ी सी भी सहमत हो, या मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, या फिर ये लगा कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब वो सच में प्रॉब्लम में है, या उनके साथ में इतना बड़ा हादसा हो गया है, तो वो प्लीज़ उनको सपोर्ट कर देना। और ये ऐसा नहीं कह रही कि मैं मतलब कि आप पैसों से कर दो, या फिर उनको या किसी चीज़ से कर दो, बस क्या करना, कुछ नहीं करना। आप उनकी वीडियो देखो, उनकी बातों को समझो कि वो क्या कहती हैं, उनके साथ में क्या हुआ, उनके ऊपर क्या बीत रही है, बस वो समझो बातों को। और थोड़ी सी अपनी जो अंदर से जो हमारे अंदर बातें आते हैं कि हाँ उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो दो प्यार के लग वहाँ पर कमेंट करके आ जाओ बस, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो भाई मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है इस दुनिया में, लगता है वैसे ऐसा। और मेरी फ्रेंड है राधिका कृष्ण, जो कि उन्होंने मुझे बोला था कि वीडियो बनाने के लिए, उनको मतलब उनकी वीडियो दिखाने के लिए, कि मुझे सच में लगा कि हाँ यार बनानी चाहिए वैसे भी। और
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी नई नई वीडियो जो है आपके पास आती रहे। और अगर आपको इसमें मुझे कुछ भी मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ मैं आप सबसे कि कुछ भी गलत बोला हो। और बच्चों की आवाज़ आ रही है, उस पर ध्यान ना देना, बच्चे घर में आवाज़ उठाएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ मैं। और आज जाने हैं मुझे मार्केट, मंडे मार्केट, तो इसीलिए मैंने थोड़ी तैयार वैयार होकर बैठी हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो आज ये वाला जो वीडियो था मुझे लगा कि चलो बनाना चाहिए, तो मैंने बना दिया। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।